अब आप लोग मुझे बताओ, सूरतुन नास का तर्जुमा जानने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? शैतान के वसवसे से बचे। शैतान के वसवसों के बारे में आपको पता चला। ये शैतान का क्या है? हथकंडा है। देखो, शैतान कौन है? हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन। दुश्मन की क्या ताकत है हमें पता चले, और उसकी क्या कमजोरी है हमें पता चले, तो हमारे लिए अच्छा है बुरा है? अच्छा है। दुश्मन की क्या ताकत है वो जानकर क्या फायदा है आपका? उसका डिफेंस करने के लिए। डिफेंस करने के लिए। तो शैतान वसवसा डाल सकता है। ये क्या है? शैतान का हथकंडा है, शैतान का वेपन है। वेपन शैतान का क्या वेपन है? शैतान बांबू स्टिक लेके आएगा? नहीं। शैतान क्या करता है? वसवसे डालता है, वादे करता है, तमन्ना पैदा करता है, ख्वाब दिखाता है, हो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो शैतान के वसवसे आएंगे तो किसकी बात मानोगे? शैतान की, अल्लाह की? अल्लाह की। और शैतान के वसवसों में औद बिल्लाही मिनश शैतान रजीम। तो एक फायदा ये है, बिल्कुल सही बात। और क्या फायदा हुआ जानकर? सूरतुन नास के बारे में समझकर और क्या फायदा हुआ? कुल औद बिरब्बिन नास जब आप पढ़ेंगे तो आप उसकी मीनिंग पर गौर करेंगे इंशाल्लाह। उसकी मीनिंग पर ध्यान देंगे। ध्यान देके क्या फायदा है? ध्यान देके क्या फायदा है? अगर ईमान मजबूत होएगा हमारा, हमारा ईमान मजबूत होगा इंशाल्लाह। आप दिल से मदद मांगो अल्लाह की। एक होगा आप जुबान से पढ़ रहे हो कुल औजु बिरब्बिन नास, लेकिन एक होता है कि आप दिल से कहो औजु बिरब्बिन नास। दोनों में फर्क है कि नहीं है? है। दोनों में फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सही तौर पर दिल से काम करें इंशाल्लाह। और क्या फायदा है जल्दी बताइए? अच्छा, गौर करो, जो सूरतुल फलक में चारों चीजों से जो हमने पनाह मांगी अल्लाह की, वो चारों चीजें हमारे अंदर है या बाहर है? बाहर। बाहर है। चारों चीजें आप गौर करो, वो सब बाहर है, लेकिन सूरतुल नास में जो है ना, वो अंदर है बाहर है? अंदर है। अंदर है। वसवसा अंदर आता है या बाहर आता है? अंदर। अंदर बाहर से वसवसा टच हो रहा है कि अंदर आता है? अंदर आता है। जो चीज अंदर आती है ना, वो ज्यादा डेंजरस होती है। जो बाहर होती है ना, उसके लिए अलग चीज है, जो अंदर आती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, अच्छा, कोई चीज हम अंदर लेते हैं कोई बीमारी से बचने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे बीमारी होती है ना, उससे बचने के लिए वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन, हाँ, वैक्सीन लेते हैं, दवाई मालूम है, वैक्सीनेशन लेते हैं ताकि वो बीमारी असर ना करे। हाँ, दुनिया की वैक्सीनेशन, बीमारी ना हो, ना होने के लिए, बीमारी से बचने के लिए कोई दवा होती है। तो हम देखते हैं कि वो तो दुनिया की बात है, वो दवा हो सकता है काम करे ना करे, लेकिन सूरतुन नास एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारे अंदर जो बीमारी आ सकता है उससे हम बच सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ क्या बेटर है? ये बेटर है कि आप बीमार पड़ जाओ और फिर ठीक करो अपने आप को, या ये बेहतर है कि आप पहले से ही बच जाओ? पहले से ही बच जाओ। अपने आप को बचाना बेहतर है कि बीमार हो जाना बेहतर है? डूब रहा है, उसको पकड़ करके निकाले, हॉस्पिटल में डाले, बचाए, कैसे करके बच गया, ये बेटर है या ये बेहतर है कि वो डूबे ही नहीं? वो डूबे ही नहीं। डूबे ही नहीं बेहतर है? क्या आप अपने लिए क्या पसंद करोगे? डूबे ही नहीं बेहतर है। और फिर वहां से बचाओ, ये बेहतर है या ये बेहतर है कि आप डूबो ही नहीं? डूबो ही नहीं। तो मेरे बच्चों, अपने आप को बचा लो शैतान के वसवसों से, बचा लो इंशाल्लाह। बचाएंगे कैसे? बचाएंगे सूरत नास पढ़कर, समझकर इंशाल्लाह। रोज पढ़ना है ताकि आप अपने आप को शैतान के वसवसों से इंशाल्लाह बचा सको, ताकि आप डूबो नहीं, शैतान आपको धोखे में ना डाले, शैतान आपको फेल ना कर सके। आप सब बच्चे भी ये बात पर ध्यान दीजिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत कीमती खजाना है जो अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए दिया है। अल्लाह ताला ने किसकी हिफाजत के लिए दिया है? हमारी हिफाजत के लिए दिया है। तो ये चीज में हमारे लिए फायदा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सूरतुन नास की इम्पोर्टेंस, अहमियत समझने, इसकी मीनिंग समझने, और कुरान की इस सूरा को, बल्कि पूरे कुरान को दिल से माने के साथ अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको सूरतुन नास बार 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 पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह की पनाह मांग कर शैतान के वसवसों से बचने के अल्लाह हमें तौफीक दे। बाकी भी सारी शैतान की जो चालें हैं, बाकी भी जो सारे उसके हथियार हैं, ये सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन और भी जो जितने सारे उसके हथियार हैं जिसके जरिए वो हमें हराना चाहता है, हमें शैतान जहन्नम की आग में पहुंचाना चाहता है। कहाँ पहुंचाना चाहता है? जहन्नम की आग में। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमें शैतान के इन सारे
हथकंडों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दे, वसवसों का शिकार ना हो जाएं हम। वसवसे के शिकार होकर बहुत से लोग फिसल जाते हैं, अल्लाह ताला हमें उनमें से ना बनाए। अल्लाह से ये दुआ करते हुए हम आज का ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलाम इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।